गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम आलोक एंड आई एम हेयर टू प्रेजेंट समथिंग अबाउट सोशल साइंस एंड माई टॉपिक इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, उसमें कौन कौन मेंबर रहे, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके क्या फीचर थे, क्या इम्पोर्टेंस थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और जो जानने के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इच्छुक होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और इसी चीज़ से हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सभी टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो अकेडमिक हो, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारी नॉलेज भी इन्हेंस करती है। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। तो टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड इम्पॉर्टेंट एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और एक एक चीज़ करके हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पेजेस को समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अल्टीमेट इस क्लास का मोटिव यही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के बारे में। ओके. तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय विच अ स्टेट गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड हाउ अ कंट्री, स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट ऑर्गेनिक इन अ नेचर एंड कंसिडर्ड एज अ हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। नो रूल पर्स्यूड रेगुलेटिंग ऑल लॉ कैन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट विल बी डिक्लेयर्ड फुल नल एंड वॉइड। तो सिंपल सी अगर डेफिनेशन समझे, जैसे कि इसमें बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसके हिसाब से कोई भी देश जो होता है या कोई भी राज्य होता है उस पर सरकार शासन करती है। शासन करना मतलब उस पर रूल करती है, गवर्न करती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सरकार को कि हमें किस तरीके से देश को चलाना है। सीधी सी भाषा में इसका मतलब यही होता है। ये क्या है, एक संविधान जो होता है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो नियम जो होते हैं, जो रूल होते हैं, उनका एक समूह होता है जो यह बताता है कि कोई भी राज्य या देश या अन्य राजनीतिक संगठन कैसे काम करता है। कोई भी राज्य यानी कि हमारा स्टेट या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब वो काम कैसे करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी कानून ऐसा बन जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं होता है, तो वो कानून नल एंड वॉइड साबित कर दिया जाता है। नल एंड वॉइड का मतलब वो चीज़ जो है कानून में नहीं लेकर आई जाती है। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब तो यही मिल जाता है कि कोई भी चीज़ कानून कैसे बनती है, या कोई भी चीज़ जो है लॉ कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है। तो लॉ वो तभी बनता है जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैच होता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैच ही नहीं हो रहा है तो वो लॉ नहीं बनेगा, वो जो भी है वो नल एंड वॉइड अप्रूव कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड बोल दिया जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझने के बाद हम आगे बढ़ें, तो हम बात करते हैं सबसे पहले द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट के कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किसने बनाया, ये आज की क्लास का मेन मतलब मोटिव है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, तो हम बात करते हैं, हम थोड़े से पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 1934 में एक पर्सन था जिसका नाम था एमएन रॉय। तो ये जो एमएन रॉय थे, इन्होंने क्या करा था 1934 में, सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करी थी। ठीक है, 1934 फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द एमएन रॉय। और देखना, यही एमएन रॉय आगे चल के कितने इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं, कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, पता चलेगा इसमें। तो एमएन रॉय ने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, और 1935 में ही नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करा था। नेशनल कांग्रेस ने फिर ऑफिशियली इस चीज़ की डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाए। और 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, एमएन रॉय पहली बात 1934, सेकेंड बात 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग रखी ऑफिशियल तरीके से,
और 1940 के अंदर जो है ये डिमांड को एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम आगे देखें, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि हम 1935 में, एक मिनट, ओके, तो जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया 1935 में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि हमें जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाए, तो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी कि ठीक है तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार तुम्हें दिया जाएगा। और अब हम आगे बढ़ें तो 1942 में जो क्रिप्स था, क्रिप्स मिशन के बारे में आपने सुना होगा, तो 1942 में क्रिप्स मिशन यही था कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिस ड्राफ्ट को इंडिया में 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इंडिया लेकर आया गया था। और मेंबर ऑफ द ब्रिटिश केम इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर ये जो प्रपोजल क्रिप्स साहब लेकर आए थे इंडिया में ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, लेकिन वो भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, तो इस जो प्रपोजल जो ये इंडिया में आया था, इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि भाई हम जो हैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब उसका रीज़न जो यही था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत आया था ये इंडियंस के लिए था, और मुस्लिम लीग तो वैसे पहले से ही अपने अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, जो एक इस्लामिक कंट्री होगी, तो इस्लामिक कंट्री के लिए वो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते थे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग ने इस मिशन को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि हम जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अब हम बात करते हैं क्या एक्सेप्ट करने से, मना करने से क्या फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। भाई बना हुआ था, बना होगा, तभी तो आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। तो उस समय 1942 में इस जो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया मुस्लिम लीग ने, तो इसके बाद एक और कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1946 में, और 1946 में वो मिशन आया जिसके तहत भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था, और उसका नाम था कैबिनेट मिशन। 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया, किसके कहने पर आया, तो उसका नाम था एटले, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नर थे जिनके ऑर्डर पर इंडिया में कैबिनेट मिशन आया, और उस कैबिनेट मिशन के आने के बाद उसे इंडियंस ने एक्सेप्ट किया और उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो सबसे पहली बात कि वो जो कैबिनेट मिशन आया उसको लेकर कौन आया, तो उसको लेकर आने वाले तीन मेंबर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए थे। ऑर्डर दिया था एटली ने, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसमें तीन लोग आए थे। उन तीन लोगों का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। ये क्रिप्स साहब दोबारा आए थे, पहली बार जब आए थे तब फेल हो गया था 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत, लेकिन अब कैबिनेट मिशन के तहत क्रिप्स आए हैं, और अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ दो लोगों को लेकर आए हैं। और वो दो लोग कौन हैं, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों किसके कहने पर आए हैं, याद रखना, एटले के कहने पर, लॉर्ड एटले। अब हम आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं कि जो ये कैबिनेट मिशन आया है, इस कैबिनेट मिशन में है क्या, कितने मेंबर कहां से कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल जो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो 389 थे, आउट ऑफ विद 93 जो थे इंडियन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड 292 मेंबर जो थे इसके, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 थे एंड मुस्लिम लीग से 73 थे, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर थे, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी 78, इंडिपेंडेंट पार्टी थी जो 7 थी। तो वर्क फॉर्म भी, तो इन्होंने मिलकर जो है ब्रिटिश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था उसमें इतने सारे लोग जो थे वो इंक्लूड थे। तो ये जो है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ये सारे के सारे जो थे ब्रिटिश इंडिया के समय के थे। और उसके बाद बात करें
द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो नेचर था वो कैसा था, यूनिसेरिमल था इन नेचर, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड. पार्शली इलेक्टेड का मतलब कुछ मेंबर तो इलेक्ट किए गए थे और कुछ मेंबर नॉमिनेट किए गए थे, इसीलिए इसे यूनिसेरिमल बोला जाता है. महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड द जयप्रकाश नारायण वर नॉट इट्स मेंबर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चाहे DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी टीचिंग हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा जो था वो मेंबर नहीं था. तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड प्रकाश नारायण वर नॉट इट्स मेंबर, वो इसके मेंबर नहीं थे. इन 389 मेंबर में से एक भी मेंबर ये तीन में से नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड प्रकाश नारायण. तो इतने सारे लोग थे, तो क्या ये सारे के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाले थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐड होने वाले थे? नहीं. क्यों? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान की अलग से डिमांड कर रहे थे, तो पाकिस्तान के डिवीज़न होने के बाद इंडिया के पास सिर्फ 299 मेंबर ही बचे, बाकी मेंबर जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे. और इन्हीं मेंबर्स ने साइन करा दी अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के अब हम अप्रूव्ड करते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन के तहत जो फॉर्मेट आया है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. और इसके बाद फर्स्ट मीटिंग, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. कितनी ठंड का समय होगा उस समय, अभी गर्मी का माहौल आएगा. तो 9 दिसंबर 1946 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बाइकॉट करा मुस्लिम लीग ने, और इसी की गर्माहट की वजह से ये सर्दी वाला दिन गर्मी के दिन में कन्वर्ट हो गया. मतलब गर्मी किस चीज़ की, तो लड़ाई दंगे बहुत ज़्यादा हुए थे इस चीज़ की, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में इस चीज़ के बाद काफ़ी दंगे हुए थे. तो दिस वॉज बाइकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग एज दे वॉन्टेड सेपरेट स्टेट एंड इट वॉज अटेंडेड बाय 211 मेंबर. तो जब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें गर्माहट की वजह से, मतलब हिंदू और मुस्लिम के दंग जो कॉन्फ्लिक्ट था या उनके उनको लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके चलते सिर्फ 211 मेंबर ही इसमें शामिल हुए, जिसमें मुस्लिम जो थे, मुस्लिम्स ने इसको बायकॉट करा था, मुस्लिम लीग जो थी इसने इसको बायकॉट करा था. और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेजिडेंट, और ये सिर्फ दो दिन के लिए प्रेजिडेंट बने थे. कितने दिन के लिए? सिर्फ दो दिन के लिए. देखो नायक मूवी में एक दिन के लिए वो CM बनता है, या दो दिन के लिए प्रेजिडेंट बने, रियल लाइफ में भी होता है, जो मूवी में होता है वो रियल लाइफ में भी होता है. तो देखो सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेजिडेंट बने सिर्फ दो दिन के लिए, 9 दिसंबर 1946 को बने और 11 दिसंबर 1946 को हटा दिए गए. तो इनकी जगह कौन आया था? इनकी जगह आया था हमारे देश का सबसे पहला प्रेजिडेंट, अब बता दो. अरे भाई वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो थे, वो हमारे देश के पहले प्रेजिडेंट भी बने और साथ ही साथ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी बने थे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन से मेंबर? परमानेंट मेंबर. टेम्परेरी मेंबर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो टेम्परेरी मेंबर थे, और राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो परमानेंट मेंबर बने थे 11 दिसंबर 1946 को. और इसके बाद अब क्या हुआ आगे देखते हैं. जब सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को ही, तब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट मेंबर बने और प्रेजिडेंट बने, और वाइस प्रेजिडेंट जो इसके बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो वाइस प्रेजिडेंट थे वो थे डॉक्टर HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी. ठीक है, ये जो दो मेंबर थे ये जो है वाइस प्रेजिडेंट के रूप में चुने गए थे. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइज़र थे, याद रख करो उस बंदे का नाम, उस इंसान का नाम जिसने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी सबसे पहले, याद है? BN राव. आ गया याद? तो वो BN राव जो थे वही थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी, और एट द एंड वही BN राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र बने.
एडवाइजर बने, बी एन राव वॉज द एडवाइजर ऑफ द असेंबली। अब एडवाइजर का मतलब क्या होता है, तो जितने भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर रहे थे उन सभी मेंबर को एडवाइस देने का काम बी एन राव का हुआ कि भाई ये देखो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ओके ओके ये ठीक है, तो ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, एडवाइस देने का मतलब समझते हो ना। तो देश का जो भविष्य तैयार हो रहा था उस भविष्य को तैयार करने में एडवाइस देने का काम बी एन राव का था, और इसी वजह से बी एन राव जो थे वो सब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले जो थे वो एडवाइजर बने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैसे सभी चीज इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, यहां पर जो भी मिलेगा सभी इंपॉर्टेंट मिलेगा, इस बात का आप बिल्कुल बिल्कुल भी बेफिक्र होके अगर आओ क्लास में, बिल्कुल बेफिक्र होके जो भी मिलेगा सब इंपॉर्टेंट मिलेगा, फालतू का कुछ नहीं मिलेगा। तो आ जाओ भाई, ऑन 31 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा आए, फिर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, अब 11 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई, अच्छा 13 तारीख को भी कुछ हुआ था, 13 दिसंबर को देखो क्या हुआ, अच्छा मेरा बर्थडे नहीं आता है यहाँ, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर एंड डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरन रिपब्लिक एंड यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरेटरी एंड गारंटीड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस equality, economic and the political freedom. This resolution adopted on 22nd 1947. तो 13 दिसंबर 1946 को ये चीज लेकर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी लैंग्वेज में बोले या नॉर्मल में बोले तो इसे प्रियम्बल बोल सकते हैं हम, कि एक तरीके से ये प्रियम्बल थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे 13th of December 1946 को, और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब 22 जनवरी 1947 को जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी वाइडनेस देखी गई, क्योंकि इसके तहत इक्वालिटी हो गई थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई थी सभी लोगों को, सभी लोग जो थे वो यूनियन स्टेट एंड टेरेटरी एंड गारंटी टू ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया जस्टिस, भारत के सभी लोगों को इस चीज़ की गारंटी दी गई थी कि सभी को न्याय मिलेगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो उनके साथ, चाहे फिर वो पॉलिटिकल फ्रीडम हो, ये सब उनको दिया गया था, ये सब की सब आज़ादी जो है भारत के लोगों को दी जानी थी, और जिस चीज़ को आज हम इंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखें, देखो सब चीज़ें समझने और देखने में मिलेंगी, बस पेशेंस रखो और क्लास में आते रहो। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days, ये बच्चे बच्चे को पता होता है, अगर नहीं पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड वेरियस कमेटी ऑफ द असेंबली एंड द जनरल डिस्कशन वॉज हेल्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय दीज कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो फ्रेम करे गए थे वेरियस कमेटीज़ के द्वारा, बहुत सारी कमेटी थी जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल थे उनको फ्रेम किया था, और बहुत सारी रिपोर्ट थी जो बनाई थी और बाद में ये सबमिट की गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी की बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, और इम्पोर्टेंट तो थी ही। अब कैसे, तो देखो द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज मेड ऑन 29th अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई एंड कंपोज ऑफ 7 मेंबर, जो 7 मेंबर के द्वारा बनाई गई थी, और इसके जो पहले मेंबर थे वो भीमराव अंबेडकर थे जो इलेक्टेड किए गए थे एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इतनी इसी बात पर क्या उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, नहीं, इस कमेटी के चेयरमैन होना सबसे बड़ी पोस्ट के बराबर था, क्योंकि इसी कमेटी के बाद, इसी डिपार्टमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल मिलने वाला था आगे कि वो पास होगा या नहीं होगा। तो सोचो जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल दे रहा है
कि ये बिल्कुल ठीक है, सही है, परफेक्ट है, इसे अडॉप्ट किया जाए, इसे फॉलो किया जाए, तो वो इंसान क्या इम्पोर्टेंट नहीं होगा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इसी वजह से उस इंसान को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो अब बात करें अब ये कह रहा है कि द पर्पज़ ऑफ द कमेटी, देखो बता रहा है कि वॉज टू बी एनालाइज द ड्राफ्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय बी एन राव। ओके, तो ये जो बी एन राव के एडवाइजर, भाई जो एडवाइस देगा, कम से कम वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी होगा ही ना, तो बी एन राव ने एडवाइज़ करी थी जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बी एन राव के एडवाइस पर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किस लेवल तक अच्छा है, किस लेवल तक उसमें कमियां हैं, इस चीज़ के बारे में बताया था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जिस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका मेन मोटिव यही था कि जो बी एन राव के एडवाइस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं है। क्या लगता है, ठीक होगी? अरे भाई ठीक थी, तभी तो आज हम उसे फॉलो करते हैं। तो अब बात करें उन मेंबर्स की जो भीमराव अंबेडकर के साथ में उनकी कमेटी में थे। तो उनका नाम था एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुदुल्लाह, एन माधव राव, ये जो हैं बीपी मित्तर के स्थान पर आए थे, यानी कि बीपी मित्तर को रिप्लेस कर दिया गया था उनकी तबीयत खराब होने के चलते, एन टीटी कृष्णामाचारी, इन ये भी जो हैं डीपी खट्टर के प्लेस पर रिप्लेस किए गए थे। तो ये जो कुछ मेंबर थे, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे अंबेडकर साहब के साथ, जो उनके मेंबर थे वो ये थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इसका भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी का नहीं था। तो आपको सभी के नाम याद रखने होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुदुल्ला, एन माधव राव, एन टी टी कृष्णामाचारी, ये जो मेंबर थे हमारे, ये सारे के सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जो भीमराव अंबेडकर के साथ थे। ओके, तो अब हम आगे देखें, तो 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जिस दिन 2 साल 11 महीने and 18 दिन कंप्लीट हो चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने रखा था, अब जो था इसे अडॉप्ट करने की बारी थी, इसे लागू करने का समय था। लेकिन 26 नवंबर 1949 द थर्ड एंड द फाइनल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन एंड ऑन दिस डे 284 मेंबर्स साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी 3 रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, रीडिंग मतलब पहली रीडिंग में कुछ गलतियां निकली, दूसरे में निकली, तीसरे में निकली, तो 3 रीडिंग होने के बाद, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार फिल्टर होने के बाद बना, और इसकी फाइनल रीडिंग होने के बाद 284 मेंबर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट हिज सिग्नेचर ऑन इट एंड डिक्लेयर्ड एज ए पास्ड और अप्रूव्ड, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया, अप्रूव्ड कर दिया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को पास हुआ या अप्रूव्ड हुआ, वो डेट याद रखनी है, क्योंकि इसके लागू करने की तिथि और इसके अप्रूव्ड होने की तिथि में फ़र्क है। ये अप्रूव्ड हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो कुछ समय लिया, कुछ दिन लिए, जिसके पीछे एक हिस्टोरिकल स्टोरी थी, उस स्टोरी को कभी और देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं हम, नहीं तो इससे भटक जाएंगे। वैसे वो स्टोरी हर एक स्कूल में एक बच्चे को सुनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन, 26 जनवरी के दिन, क्योंकि 26 जनवरी के दिन एक स्पीच तैयार करी जाती है, जिस स्पीच को बोलता है एक बच्चा असेंबली में हर 26 जनवरी वाले दिन, स्कूल के अंदर हर एक स्कूल में होता है, हर साल होता है। तो उस स्टोरी, वो जो स्टोरी बोलता है, उसी वही एक मेन स्टोरी थी, जो तब भी थी और आज भी और आने वाले समय में भी रहेगी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना उस दिन ये लागू नहीं किया गया, कुछ दिन बाद किया गया, क्योंकि 26 जनवरी जो था एक हिस्टोरिकल डे था, जिस दिन
सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी गई थी। तो यही चाहते थे कि जिस दिन डिमांड करी गई थी उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाए। इसीलिए 26 नवंबर दिसंबर एक दो महीने वेट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। मैं रोक नहीं पाया, स्टोरी बताई थी खैर। तो अब हम आगे देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किससे भी पूछो, जनरली यही सोचता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बना था, इंडिया में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े लिखे लोगों ने लिखा था और इसी वजह से उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। नहीं, ये रीजन भी नहीं, हम हिंदी भी जानते थे पढ़े लिखे लोग, लेकिन एक्चुअली उसको इंग्लिश रीजन में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसीलिए लिखा गया था क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्टडी किया अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्टडी करने के बाद फिर उन चीज़ों को अडोप्ट किया। तो अडोप्ट करते टाइम ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ना, इसलिए सेम टू सेम इंग्लिश में ही उन्होंने उसको बना दिया। और एक ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी साबित हुई और आज भी है, तब भी थी। खैर 26 नवंबर 1949 न्यू प्रोविजंस वर एडेड दैट रिलेटेड टू द सिटीजनशिप प्रोविजनल पार्लियामेंट इलेक्शन एक्सेट्रा। तो 26 नवंबर 1949 को इसमें नए प्रोविजन ऐड करे गए, जैसे कि जो ऐड रिलेटेड थे सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड थे एंड इलेक्शन से रिलेटेड थे। और 26 जनवरी 1950 वो हिस्टोरिकल डे जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू होना था, वो डे था रेफर्ड एज द डेट ऑफ द कमिसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ईयर 2015। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व 26 नवंबर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे टू मेक 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाती है। ओके, इस दिन हम सिर्फ पहले क्या करते थे, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मना लेते थे, ठीक है। लेकिन अब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है ताकि सभी को पता चले कि जिस दिन हमने संविधान लागू किया, संविधान बनने की तारीख वो नहीं थी, संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था और उसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं। एंड इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, उसी मनाई गई थी। हाँ, 15 अगस्त 2015। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ तक की बात अभी सभी को क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिस कॉन्स्टिट्यूशन के को कैसे बनाया उसके बारे में हमने इतना जाना, अब हम देखते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट क्या हैं। तो टोटल सेशन जो हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो 11 सेशन हुए थे। सेशन का मतलब बैठक, कि सभी लोग कितनी बैठकें करी उन्होंने, तो टोटल 11 सेशन हुए थे। टोटल टाइम लगा था, हमें पता है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 24 जनवरी 1950। लास्ट जो इसकी मीटिंग हुई थी, जो लास्ट असेंबली हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इन दिस मीटिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम वॉज ऑल्सो अडोप्टेड। याद रखना, नेशनल फ्लैग इस दिन नहीं आया था, नेशनल फ्लैग 1947 में अडोप्ट किया गया था, लेकिन 1950 के दिन, कौन से दिन, 1950 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम जो है वो अडोप्ट किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बिकम फुल्ली इफेक्टिव, इसे पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया गया था। अडोप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल
प्रेसिडेंट, खैर वो क्या नेशनल, वो तो प्रेसिडेंट थे ही, प्रेसिडेंट, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, ये 24 जनवरी 1950, एंड नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। फ्लो में मत बह जाना नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम सब 24 जनवरी 1950। नहीं भाई, फ्लैग अलग था, ओके, फ्लैग 1947 को आ गया था, क्योंकि आज़ादी के लिए कुछ तो चाहिए था ना हाथ में, तो वो तिरंगा झंडा जो हमारे हाथ में था तो वो 47 में पहले ही आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले ही। अच्छा, ये मत सोचना कि नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग गाए नहीं गए होंगे, गाए जाते थे, लेकिन वो एज ए नेशनल अडॉप्ट जो किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। इससे पहले गाए जाते थे भाई, सुने जाते थे, लेकिन नेशनल फॉर्म में जो अडॉप्ट करा था वो उस डेट को किया था जो बताया। उसके बाद एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो एलिफेंट था वो हमारा जो था सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो सिंबल था वो हमारा एलिफेंट था, याद रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिंबल को टाइगर बताते हैं, लॉयन बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नेशनल सिंबल मतलब जो होता है सत्यमेव जयते का वैसा है। नहीं, ये जो है हमारा नेशनल जो सिंबल था ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल था, ये नेशनल सिंबल नहीं था। वो ठीक है सत्यमेव जयते वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो नेशनल सिंबल है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिंबल की बात करी जाए तो वो था एलिफेंट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखनी है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम और भी जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आलोक सर टुक योर क्लास ऑफ सोशल स्टडीज एंड नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट ऑल द क्लासेस रिलेटेड टू सोशल स्टडीज, इंग्लिश, एंड इन फ्यूचर यू विल गेट फिजिक्स नोट्स, फिजिक्स लेक्चर्स ऑल्सो बाय आर अनदर टीचर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।